बाबा के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम पका रहे हैं मटन कढ़ाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाल सब्सक्राइब का बटन बनाए, बराबर में जो ये बेल आइकन है उसको दबाने से आपको मेरी वीडियोस फ्री में मिलेंगी। वीडियोस अच्छी लगी थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजहर रब्बानी फूड व्लॉग्स एंड कुकिंग में रब्बानी में एक दफा फिर हाजिर है। अच्छा फ्रेंड्स, पिछले दिनों मेरा पिशावर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने वहां पे निसार चरसी कढ़ाई मैंने खाई और मैंने वहां पे एक दो जगह पे बनते हुए भी देखी। तो आज मैं उसी रेसिपी के साथ चरसी कढ़ाई बनाने लगा हूं, जो कि बहुत मजे की बनती है और बहुत आसान है और बिल्कुल उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट्स डलते ही नहीं है। उसके लिए मैंने मटन ले लिया है, ये 750 ग्राम 3 पाव के करीब मैंने मटन लिया है, क्योंकि हम फैमिली मेंबर्स कम है इसलिए हमारे लिए बहुत हो जाएगा। उसके साथ बड़े बड़े मैंने 4 टमाटर ले लिए। आप लोग कोशिश करें कि आपको फॉर्म की टमाटर मिले, देसी टमाटर थोड़े ज्यादा खट्टे हो जाते हैं। उसके साथ मैंने 4 सब्ज मिर्चें ले ली हैं और 3 से 4 जवे मैं अदरक सॉरी लहसुन के मैं लूंगा और उसको अच्छे तरीके से पीस लूंगा। और इसके साथ और सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ आज हम लोग चरसी कढ़ाई बनाने लगे हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहे और मैं आपको बहुत जबरदस्त किस्म की और बहुत जल्द तैयार होने वाली एक नई रेसिपी देने लगा। ओके जी फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई ले ली है अच्छी सी और चूल्हा उसका ऑन कर लेते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर ली है, हाफ ऑलमोस्ट हाफ से आप कह लें क्वार्टर कप तक मैंने घी ली है, उसको मेल्ट होने देते हैं और मेल्ट होने के बाद फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है और उसके अंदर जो घी है वो मेल्ट हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर अब जो मटन का है गोश्त उसको डाल लेता हूँ और इसको अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए घी के अंदर फ्राई करते हैं। और 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। फिलहाल मैंने कोई मसाला, कोई सब्जी, कोई इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं डाला सिवाय मटन के। अच्छा जी तो फ्रेंड्स, आपका भाई माहिर शेफ बना हुआ है इस वक्त और जबरदस्त किस्म की छिंदवाड़ी तैयार करने की कोशिश कर रहा है, सॉरी चरसी कढ़ाई। और उसे क्या कहते हैं कि आज एहसास हो रहा है कि खवातीन जो किचन में गर्मी में खड़े होकर कुकिंग करती हैं तो उनका क्या हाल होता होगा। तो मेरा देख लें आप, पसीने से बुरा हाल हुआ हुआ है। तो मटन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया 6 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद तकरीबन मैं 1/2 टेबल स्पून जो है नमक डालने लगा हूँ और इससे ज़्यादा मैं नमक नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि हम लोग नमक ज़्यादा नहीं खाते। तो बस अभी इसको 2 से 3 मिनट के लिए और भूनते हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर पानी डालेंगे, वो मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। और फिर गोश्त गलने के लिए यानी कि बॉयल होने के लिए हम इसको रख देंगे। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट हो गए, अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, नमक मैंने आप लोगों के सामने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर पानी डालते हैं और पानी डाल के फिर इसको कवर करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। आपके भाई ने एक स्टंट भी मारा है लेकिन वो अगले क्लिप में मैं फिर आपको बताता हूँ। ओके जी फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हम लोग इसके अंदर तकरीबन 1 ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं तकरीबन 1/2 ग्लास पानी का मैं इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डालने लगा हूं। और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 30 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर गोश्त को उबलने के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। तो हमने इसको कवर कर लिया है और कवर करके फ्लेम हम इसके नीचे बिल्कुल स्लो कर लेते हैं और मिलते हैं पूरे 40 मिनट के बाद। ओके जी फ्रेंड्स, तो मुझे तकरीबन 1/2 घंटा हो गया है, उसको मैंने बॉईल किया है, दम दे दिया था। और इस स्टेज पे हम अरवा मुझे लहसुन देना, अरवा ने मुझे लहसुन पकड़ाया, लहसुन मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने कर लिया था वो हम डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम मैंने अभी आहिस्ता ही रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं किया। और अब इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से लहसुन का पेस्ट मिक्स कर लिया है और अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर टमाटर डालते हैं। अरवा मुझे टमाटर पकड़ाना। ओके,
टमाटर मैंने फ्रेंड्स लिए हैं 4 अदद और हाफ कट कर लिया है, और उस हाफ कट को अब मैं इसके ऊपर लगाने लगा हूँ। लगाने का इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इसको बड़े प्यार से और आराम से टमाटरों को इसके ऊपर रख देना है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त लाल लाल रंग के मज़े मज़े के टमाटर हैं माशाल्लाह। और ये हमने टमाटर इसके अंदर कर दिए, और अब इसको रख के हम फिर 10 मिनट के लिए अपनी कढ़ाई को कवर कर देंगे। और जो मैंने आपको बताया है कि मैंने एक स्टैंड मारा है, तो उस स्टैंड के बारे में मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा, इसलिए मेरी ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखनी है। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, हमने टमाटरों के साथ इसको कवर किया हुआ था। इस स्टेज पे हम लोग इसका करते हैं कवर हटाते हैं, और टमाटरों के ऊपर के जो छिलके हैं वो हम इसको आराम से उतार लेते हैं। देखिए हमने 10 मिनट के लिए कवर किया था, और उसके रिजल्ट में हमें ये हो गया कि टमाटरों के ऊपर से छिलके जो तैयार हो चुके हैं टमाटर, उसके ऊपर से बड़े आराम से उतर रहे हैं। और इसी तरह हम सारे टमाटर्स के ऊपर से छिलके उतार लेते हैं, और फिर उनको अच्छे तरीके से मैश करते हैं, और मैश करके फिर मिलते हैं आपसे। ओके जी फ्रेंड्स, अब हम इसको टमाटरों की ऐसी की तैसी करते हैं, और टमाटरों को अच्छे तरीके से छिलका उतारने के बाद इसके अंदर मिक्स करते हैं। बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स इस तरह टमाटरों को फेंटी लगाते हुए। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अरवा बाहर भाग गई है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, और मैं आपको इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम गोश्त चेक करेंगे। अगर हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है तो फिर इसकी भुनाई करते हैं, और अगर नहीं गला तो फिर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए और कवर करते हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओके जी फ्रेंड्स, इस स्टेज के ऊपर अब हम देख रहे हैं ऑयल गोश्त ने हल्का हल्का छोड़ना शुरू कर दिया है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम काली मिर्चें लगा रहे हैं, इसके ऊपर डालने लगे हैं। वो इसलिए कि हम इसके अंदर कोई और मसाला जात नहीं डाल रहे हैं सिवाय काली मिर्चों के और सब्ज़ मिर्चों के और नमक के। तो अब ये हमने काली मिर्चें डाल ली हैं, और उसके बाद हम सब्ज मिर्चें 3 से 4 दरमियाने साइज की लेके और इसको काट के हम डाल देते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई तैयार होने लगी है फ्रेंड्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और मुझे उम्मीद ये भी है कि इंशाल्लाह मेरी बाकी रेसिपीज की तरह आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। हमने 3 सब्ज मिर्चें अच्छी तरीके से काट ली हैं और इसके अंदर डाल दी हैं, और अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हम ऊपर ऊंचा कर लेते हैं और इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे, और इंशाल्लाह हमारी कढ़ाई चरसी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह हल्की सी हमने इसके अंदर ग्रेवी रखी है, और कोई आउट ही क्लास किस्म की बनी है। अब फिर हम इसको थोड़ी देर तक टेस्ट करेंगे, और फिर टेस्ट करके भी आपको बताएंगे। यहाँ हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं, इसको कवर करते हैं, और फिर जब खाएंगे तो आपको टेस्ट बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा लगा। और इसी के साथ ही अज़र रब्बानी को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।